नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया समाचार में। श्रावस्ती पुलिस ने मुंशी की बचाई जान, 30 लाख मांगने वाले अपहरणकर्ता को किया गिरफ्तार। श्रावस्ती में 3 नवंबर को कचहरी गया एक मुंशी, जब शाम को अपने घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन तलाश करके जब परिजन हार गए तो वापस घर लौटे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस को तहरीर मिलते ही पुलिस ने 24 घंटे में युवक को बरामद कर उसकी जान बचाई। घटना श्रावस्ती जनपद के थाना कोतवाली भिंगा के रामनगरा का पटना खरगोरा की है, जहां 3 नवंबर को कचहरी से वापस आ रहे नरेंद्र कुमार को 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। नरेंद्र कचहरी में मुंशी का काम करता है और शाम को 6 बजे से तीन लोगों ने रास्ता रोककर उसको बंधक बनाकर एक अनजान जगह ले गए, जहां पर नरेंद्र को काफी मारा पीटा। जब काफी देर हो गई और नरेंद्र घर वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने युवक की तलाश शुरू कर दी। जब कहीं पता नहीं चला तो परिजन घर लौटे, तभी नरेंद्र की लड़की ने के फोन पर उसके पिता नरेंद्र का फोन आता है। नरेंद्र बताता है कि उसे कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। किडनैपरों ने लड़की से 30 लाख रुपए की मांग की, वरना जान से मारने की धमकी देकर फोन काट दिया। लड़की ने इसकी सूचना भिंगा कोतवाली में दी। पुलिस ने फौरन एक्शन में आते ही युवक की तलाश शुरू कर दी, जिसमें 24 घंटे में ही नरेंद्र को सही सलामत पुलिस ने बरामद किया। वहीं 3 साथी अपराधियों को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। इसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक विजय दुबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मेरे नाम नरेंद्र कुमार मिश्रा है, मैं तहसील भिंगा में मुंशीगिरी का काम करता हूँ। परसों शाम को वही 6 बजे की टाइम है, एक राकेश नाम का व्यक्ति हमारे मोबाइल पर फ़ोन काफ़ी किया था। उसने पूछा कि तुम कहाँ हो, मैं कहा तहसील में, तो कहीं आके हमसे मिलो। तो मिलने के बाद हम कहते ठीक है भाई, हम जा रहे थे अपने घर रास्ते को, पेट्रोल पंप के पास इन्होंने हमको रोक लिया और ज़बरदस्ती बाइक भी छोड़ ली, हमको 2-4 थप्पड़ मारा, बाइक छोड़ करके कहीं दे दिया और उसके बाद हमको पकड़ करके एक गुप्त स्थान पर जंगल की ओर लेके चले गए। वहाँ पर हम किसी तरह रात गए, किसी तरह से लड़के के पास मैंने फ़ोन किया, लड़के ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस सूचना देकर के हमको सुबह कल हमको उनसे बरी कराया। आपसे कुछ पैसे की भी डिमांड की गई थी? हाँ, 3 लाख रुपए की पैसे की डिमांड कर रहे थे। कोतवाली भिंगा के ग्राम रामनगरा का एक अमन लड़का है, उसने आकर के शाम को 3 तारीख के शाम को आके इंस्पेक्टर साहब को सूचना दिया कि उसके फादर जो प्रातः से गए हुए हैं, वो कचहरी भिंगा में वो काम करते हैं, अभी तक लौट के नहीं आए और वो उसके एवज में, छोड़ने के एवज में 3 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। तो चूंकि घटना गंभीर थी, इसलिए इंस्पेक्टर साहब पूरी टीम के साथ पूरी रात लगे रहे, सर्विलांस की मदद से इन्होंने कल इस बच्चे को बरामद किया है और इस प्रकार से एक बहुत बड़ी घटना होने से बची है कि एक व्यक्ति की जान उसमें जा सकती थी। तो पूरी टीम लग करके उसको सफल बरामद किया है। उसका नाम जो अपहृत है, उसका नाम नरेंद्र मिश्रा है और वो यहाँ भिंगा कचहरी में मुंशी का काम करता है। सर, क्या अपहरणकर्ताओं के बारे में जानकारी की जा रही है? उसमें जो राकेश है वो बहुत ही शातिर है, 3 जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तो उसके जो क्रिमिनल हिस्ट्री है और गतिविधियों के बारे में पूरी वो जांच की जा रही है और संभावना है कि उसके और इस तरह के कृत्य पहले किए होंगे, तो वो पूरे तहकीकात में आ जाएगी।